हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज, फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे हाउंसफील्ड यूनिट या फिर सिटी नंबर या एचसीयू यूनिट, आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या क्या चीज़ होती है, तो चलिए गाइज आज आप सिर्फ आप बेसिक सा ओवरव्यू करेंगे। इसकी कोई फिजिक्स वगैरह वो नहीं पढ़ेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल सा आप ओवरव्यू कर लेंगे, जिससे अपने को अगर समझेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो अगर बात करें, दिस इज अ डायमेंशनलेस यूनिट। तो ये चीज़ याद रखना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती ये एच यू फिर हाउंसफील्ड यूनिट की। और ये क्या है, ये सिटी के अंदर यूज होती है, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और ये किसको एक्सप्रेस करती है, ये सिटी नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं इस चीज़ को। जैसे मान के चलो, एयर का आपको कुछ नंबर मिलेगा, वाटर का मिलेगा, या फिर कोई बोन टिश्यू है उसका कुछ नंबर मिलेगा। और जहाँ जहाँ अपना कर्सर जाएगा, आपको कोने में ना एक तरफ एक जैसे एक मार्किंग सी मिलेगी, तो उसको बोलते हैं सिटी नंबर। जिस तरह आप ये प्रैक्टिकल करेंगे ना सिटी की, तो उस टाइम आपको दिखाऊंगा। देन ये कह रहा है कि द एब्जॉर्प्शन एंड एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन विद इन अ टिश्यू इज यूज ड्यूरिंग सिटी रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस ए ग्रे स्केल इमेज एंड हाउंसफील्ड यूनिट आल्सो रेफर सिटी यूनिट। तो एक चीज़ तो ये मैंने बता दी, हाउंसफील्ड यूनिट, सिटी यूनिट या फिर एच यू यूनिट, देखो तो एक ही चीज़ है। और ये क्या करती है, कुछ ना कुछ जो रेडिएशन उसके कोफिशियंट का ऑब्जर्वेशन है ना, उसको आप इसी जो एक ग्रे स्केल इमेज निकलती है, जो रेडिएशन जो टिश्यू वो ले रहा है उसको फिर आप मेजर करेंगे, उसके कोफिशियंट निकालेंगे और जो कुछ अपने को वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं हाउंसफील्ड यूनिट। ठीक है। देन ये कह रहा है कि इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक अगर की बात करें, तो ये कह रहा है कि सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टोमोग्राफी। और जो गॉडफ्रे हाउंसफील्ड है ना, उसने इस चीज़ के जिसने डेवलप किया था सिटी को, तो इसी के नाम पे ही इस यूनिट को दिया गया। जैसे हाउंसफील्ड यूनिट है, गॉडफ्रे हाउंसफील्ड है ना, उसी के नाम पे इस चीज़ को दे दिया गया सिटी नंबर को। ये अपने जो भी अपने ये देखो यहाँ दे रहा है कि आल सिटीज के प्रोग्राम। अभी वाटर अपने को इमेज में डार्क दिखेगा, तो डार्क दिखेगा तो इसकी एटेन्यूएशन वैल्यू या बोल सकते हैं हाउंसफील्ड यूनिट क्या है, जीरो। और वहीं अगर ये सेंट्रल पॉइंट है, इससे अगर अपने को रेंज ऊपर जाएगी तो प्लस 1000 एंड नीचे आएगी तो माइनस 1000। अगर प्लस 1000 की बात करें तो वो कैल्शियम की या फिर बोल सकते हो बोन की, और अगर माइनस 1000 में चली गई तो वो एयर की हाउंसफील्ड यूनिट है। तो जैसे अपन यहाँ कुछ ये यूनिट्स लिख रखी है, तो बेसिक्स तो ये 5 यूनिट है, इनको आप ध्यान रखना। जैसे एयर की हाउंसफील्ड है माइनस 1000 हाउंसफील्ड यूनिट, और ये ब्लैक होगी। ठीक है। वहीं अगर बात करें फैट की, तो माइनस 5 to 50 हाउंसफील्ड यूनिट मिलेगी। देन वाटर की आ गई जीरो। तो एक चीज़ याद रखना, वाटर वाटर से नीचे क्या है फैट, फैट से नीचे क्या है एयर, ये चीज़ याद रखना। अगर इसके वाटर से ऊपर जाएंगे तो फिर अपने सॉफ्ट टिश्यू कैल्शियम या फिर कॉर्टिकल बोन्स आएंगी। जैसे देखो, अगर बोन के देखें तो 1000 हो गया, वहीं अगर अपने को स्टोन या कुछ और कुछ कुछ दिख रहा है तो 100 से 400, और वहीं अगर सॉफ्ट टिश्यू तो 40 से 80। वहीं अगर बात करें ब्रेन में कोई लीजन्स वगैरह, इस यूनिट के थ्रू अपने को ईजिली पता चल जाता है क्योंकि कौन सी बॉडी में, जैसे लीवर हो, लीवर में समझना इको टेक्सचर एक टेक्सचर है, लेकिन जहाँ अपने को दिक्कत मिलेगी वहाँ ये चीज़ ना कुछ ये वैल्यू डिफ्लेक्ट मिलेगी। तो इन वैल्यू का अपन ना थोड़ा सा ध्यान में रख के आप ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अगर सिटी नंबर से अपने को बहुत सारी पैथोलॉजीज को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया लीवर की हो गई, कोई ब्रेन में कुछ ट्यूमर वगैरह है, तो और भी बहुत सारे पार्ट है, बोन कैंसर हो गई, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट के थ्रू अपने को ईजिली पता चल जाएगी। क्योंकि जो अपना नॉर्मल बॉडी जो अनाटमी है इसकी, जो नॉर्मल बोल सकते हैं जो अपीयरेंस है उसकी, तो इतनी वैल्यू है, लेकिन उससे अगर अपन कम ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा तो आप उसके कैलकुलेट करके अंदाजा लगा सकते हैं ये चीज़ है, और उसको फिर आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि देन हाँ यही चीज़ है इसको। ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ इस तरह की आप रेडियोलॉजी को मिस ना कर सको।